हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने मामा जी के किचन गार्डन का टूर। मेरे मामा जी ने अपने किचन गार्डन को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। मेरे मामा जी भाखड़ा डैम नंगल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट से रिटायर हुए हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना ज़्यादातर जो टाइम है वो अपने किचन गार्डन को ही दिया है। तो आप को भी इस किचन गार्डन में घूम करके काफी इंजॉय मिलने वाला है और काफी डिफरेंट डिफरेंट तरह की वैरायटीज देखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं फिर। ये हैं मेरे मामा जी। मामा जी पत्थरियों से परेशान है मामा जी, परेशान हो पत्थरियों से? बहुत। चलो कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाओगे। ये आपका है क्रेसुला? ओ क्या बात, यस, ये ये ना, क्रेसुला। ये तो इतना बढ़िया था ना, हाँ, इतना बढ़िया पौधा था ना अच्छा ये। अच्छा वो छोटी सी गुड़िया है, वो हाँ, तो जोतिया ऊंचे में जी रख दो है ना, इसे, आप मंदिर के स्थान पर भी रख सकते हो, इसे ज्यादा धूप की जरूरत नहीं ये होती है। इसकी यही है, राइट अच्छा राइट, हाँ एंट्री, डायरेक्शन राइट तो यही है एंट्री, डायरेक्शन। राइट हाँ, एंटरिंग, डायरेक्ट हाँ राइट। जी राइट। तो ये इसके तो इतने इतने बड़े पत्ते हो रखे हैं ना, हाँ, उसने पूरे पत्ते तोड़ दिए, इसके पूरे पत्ते तोड़ दिए। अच्छा बच्चा यहाँ बैठा, हाँ, सारे पत्ते, ये नए पत्ते आए हैं, नए पत्ते तो फिर ये तो सारे नए आए हैं। अच्छा नए आए फिर भी अच्छा हो गया ना, ग्रो हो हाँ, गया। और और ये चीकू का बूटा है। अच्छा चीकू का लगे भी कभी? हाँ अभी तकरीबन कोई 1.25 किलो के करीब थे। हैं हाँ लगे थे, बड़े देखो बड़ा टेस्ट चीकू। टेस्ट फूल है, ये सारा अच्छा फूल आया हुआ है इसको। अच्छा वो फूल देखो आ रखा कितने है, पौधे देखो दिखते। दीदी कितने सारे फूल आए हुए हैं, है ना? मैं ये तो आती चीकू का रहती हूँ रोज फूल, ही, ये रोज आंदी तू तो रो, है। हाँ इतने अच्छे लग रहे हैं, तो चीकू काफी है लो ये सच लीची में। है, ये नहीं है कामयाब, अच्छा ये तो लीची, उड़ा देंगे। वो है लीची बड़ी बड़ी बढ़िया, वो परले वाली, इसको अभी लगा नहीं, फल फल नहीं लगा अभी, इसको फल छोटी है, लगेगा। छोटी है ना अभी। ये अश्वगंधा, अच्छा देखो दीदी मामा जी के, देखा अश्वगंधा है, हाँ अश्वगंधा। इसका पत्ता रोज 2 पत्ते 3 खा लो। हाँ अच्छा, फिर हाँ क्या क्या फायदा होता है मामा जी? पूरी बॉडी को एनर्जाइज करके रखता है। हैं हाँ अच्छा, ये पत्ते कहीं हुई? हाँ ये थोड़ा वो लग गया होगा ना, वैसे उस ये नहीं ना हो रही, बरसात नहीं ना हो रही, ये अश्वगंधा का पौधा, ये ये मौसमी है ना, हाँ मौसमी, मौसमी ये वाली ना। और ये क्या है मामा जी? ये डेकोरेशन प्लांट, अच्छा डेकोरेशन के लिए, इनकी हाँ पूरी कटिंग कुटिंग करके बना रखी हाँ है। अच्छा। और ये मौसमी लगी हुई है, अब सर्दी में पकेंगी, हाँ हाँ पकती ना है, और बढ़िया बढ़िया बूटा है ये, बीज से मीठी। तैयार है, ये कलम अच्छा से नहीं है, अच्छा बीज से बना बीज हुआ से है, तैयार है। तो ये तो खूब अच्छा फैला हुआ है, तो अच्छा हो जाता होगा। कितनी अच्छी लगी हुई है ना, ये पुदीना, पुदीना देखो कितनी भरमार है ना? ये बड़ी तुलसी है, अच्छा ये तो इसका बीज है, तो मैं भी ले जाऊंगी। वो कहते ये घर में होनी नहीं, लगती नहीं है, मतलब दो ही घर के लिए, दो ही है। अच्छा तो ये वैसे ही है ना, श्यामा और रामा, अच्छा रामा, घर में दो ही तुलसियां जो है। अच्छा अच्छा घर में दो ही लगती हैं। हाँ वो देख ले ऊपर, और ये नींबू है? ये बीबी का आम है। अच्छा बीबी का आम कैसे? ये तो अभी लग रहा है ना? नहीं पहले से लगा हुआ। अच्छा ये वाला, नहीं पर बताता हूँ कैसे लगाया हुआ है। अच्छा परली तरफ भी लगे हुए हैं, दूसरी बार लगे इसको। अब ये नींबू का पेड़ की मेहंदी नीचे नींबू का बड़े लगे हुए हैं बेशुमार, नींबू है, ये संतरा है, संतरे भी बहुत लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे लगे हुए इधर इधर सामने, ये दिख रहे हैं, ओ देखो हाँ। इसमें दिख रहे हैं छोटे इतने छोटे ये से मुसम्मी पेड़, है, ये नीचे वो नहीं, भी मुसम्मी ओ है, ऊपर ऊपर ओ ऊपर हाँ छोटे छोटे आए ना जा। हाँ जी हाँ जी ये है, ये ऑरेंज है, ये तो पूरा मतलब पत्तों से बढ़िया ज्यादा तो मेरे को यही लग रहे हैं, बढ़िया फल ऑरेंज, आया हुआ है ना, बढ़िया लाल वाले या हरे? बढ़िया सेब था, बढ़िया सेब था, जो यहाँ बूटा था उसको तो इतने इतने बड़े सेब लग रखे थे, अच्छा वो तूफान आया और नीचे से ही अच्छा टूट गया, टूट गया होगा। टूट अच्छा गया। दो पौधे है ना सेब के? तीन है, एक तीन, हुआ छोटा, हाँ हो रहा तीन पौधे।
और खरबूजे का पौधा भी लगा हुआ है ना, वो रहा पपीते का, पपीते का पपीता वो है, एक दो पौधे उधर लगे हुए हैं, अभी पनीरी तैयार कर रखी है। हाँ जी, लगाने से बरसात नहीं हो रही। हाँ, ये भिंडी लगाई है। हाँ, ये भिंडी बरसात वाली, ये है लौंग वाला। अच्छा, वो लौंग का पौधा ये वाला, ये 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 वाली, वो किसका है फिर? वो चीकू ही है। अच्छा, वो चीकू ही है। ये लौंग का पौधा, ये पत्ता सब्जी में डालो, बहुत फायदा है। हाँ ना, तो लौंग कैसे लगते हैं इसमें मामा जी, लगे या वैसे पत्ते ही हैं अभी? इसको इधर कहते हैं फल देता नहीं है। अच्छा, बस पत्तों पत्ते के डालो जो मर्जी करो। अच्छा, बढ़िया मतलब। हाँ, अच्छा, हमने कभी देखा नहीं ना लौंग का पौधा। ये डेकोरेशन वाले, ये है ये अपने आप, ये गुलाब बीज जड़ता है इनका। हाँ, ये तो वही बॉटल फ्लावर, बॉटल मतलब प्लांट ना, बॉटल की तरह बनता है, ऐसे ऐसे ही खिलता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। तक देखना दीदी कितना बिल्कुल ना, और हरे हरे एकदम। ये आपका वो वहाँ से लाए हैं डेकोरेशन प्लांट, इसको लगे हुए हैं, ये देखो। अच्छा, ये ओह माय गॉड, पौधा दिख नहीं रहा और फल लगा हुआ। अच्छा अच्छा, ये वो वाले लाए होंगे, छोटे छोटे पौधों में लगते हैं ढेर सारे। डेकोरेशन ही है, आने वाले नहीं है। हाँ जी, पक गए, मतलब फल लगा हुआ है, पौधे पत्ता लगे ना लगे। बड़ा इसको फल तो फूल बहुत आया था। अच्छा, टिका कोई नहीं, तो फूल इतने से पौधे में अभी कितना फूल आएगा? सभी आया, सभी देख मामा जी की बगिया। मैं देख गया हूं। हां, देख गया तो पहले घूम के सुपरविजन कर गए। अच्छा, पर अच्छा अच्छा, तू पहले घूम आया ना। ये देख अनार। हाँ, ये आंकड़े का, ये भी अच्छा लगा, मिलता ही नहीं यहां कहीं। अच्छा अच्छा, मिलता ही नहीं, ये पंजाब से लाया। ये अनार लगे हुए हैं, अनार विष्णु जी का पौधा होता है। अच्छा, अनार घर में अच्छा होता है? हां हां, बहुत अच्छा होता है अनार, विष्णु जी का होता है ना, इसमें वास कहते हैं। और ये सफेद गुलाब, सफेद गुलाब का काफी पौधे हो गए हैं। हाँ जी, सफेद गुलाब तो काफी अच्छा हो गया। और ये तो वैसे ही आपका तोरी, राम तोरी। राम तोरी कहाँ? ये तोरी रामा ये तोरी। अच्छा, ये रामा तोरी, ये जा रही है ऊपर को। पूरा दिन लगी रहने मामी जी, बगिया घूम रहे हैं हम, आपकी बगिया। ये तुलसी देखो, ये कैसे बाहर है। हाँ, कहते हैं वैसे जमीन पे लगाते नहीं है। मामा के क्यों? कुछ ला है पता नहीं, कुछ नहीं लेके आ रही है। हाँ जी मामी जी, देखो अश्वगंधा बने। ये किसका पौधा? इलायची का, दालचीनी। तो इसमें कैसे लगेगी फिर ये लकड़ी? सूखेगी, इसकी जो छिलका होगा वो ही तैयार होगा। अच्छा, वही जो टहनी होगी ना। हाँ, टहनी का छिलका जो होगा। तो ये तो काफी अच्छा खिल गया है ना। ये किस चीज का? ये भी दालचीनी, सारी यही है। वो है इसका ढक, उधर ये बैंगनी, बैंगनी देखो, ये बैंगन लगे हुए हैं, लगे ना बैंगन भी लगे हैं। हाँ जी हाँ जी, ये लगना ये बरसात नहीं ना हुई है। चीकू में दो बूटे। हाँ जी, कहने तू तो बच्चे ये ले गए हैं ना रे, कौन चोल पाई है, साग बनाई ले और फिर चलाई भी है। होता है बेटे। हाँ हाँ, पेपू ले ले। हाँ जी, साग जमीन में होता है। अच्छा, जैसे जिमीकंद होता है ना। अच्छा, और इतनी बढ़िया सब्जी बनती है। अच्छा, ये जो बेल लगी हुई है, ये जो बेल है जमीन से निकलेगा इतना सारा ना, ये वाली जो बैंक के साथ लगी है ना, ये जड़े डंडे ने लगी है। ठीक है, ये साधु की बेल है, ये पहले से लगती थी ना, लगती जिमीकंद यहाँ ही बनती। कुछ इस तरह से मेरे मामा जी का ये गार्डन था। तो आप सबको कैसा लगा है बताइएगा, और आप सब ना लाइक नहीं करते हो वीडियो को, अगर लाइक करोगे तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आपको वीडियो पसंद आती है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जो न्यू है। तो अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ नए। तब तक के लिए बाय बाय।